जो हमारा ब्लड होता है ना, उसके अंदर तीन मेजर जो होते हैं ना सेल लाइन चल रही होती हैं, एक मायलोइड स्टेम सेल वाली, एक लिम्फोइड वाली, और तीसरी जो होती है वो प्लेटलेट्स वाली होती है। ठीक हो गया। मायलोइड्स एथ्रोपोएसिस करवाते हैं, थ्रोम्बोपोएसिस कराते हैं, ग्रेनोसाइट्स और मोनोसाइट्स हो गए, राइट। और लिम्फोइड वाली से क्या होता है, बीटा सेल जिससे प्लाज्मा एंटीबॉडीज बनती है, और दूसरा टी सेल्स। बुक में भी सेम ये बना हुआ है 916 पे कि जो आपके न्यूट्रोफिल्स होते हैं वो माइलोब्लास्ट, प्रोमाइलोसाइट, माइलोसाइट, मेटामाइलोसाइट, इन सेल्स से न्यूट्रोफिल बनते हैं। जो रेड ब्लड सेल होते हैं वो प्री नॉर्मल ब्लास्ट, अर्ली नॉर्मल ब्लास्ट, ये स्टेजेस थे याद करने। इट्स नॉट अ पैथो टेस्ट, इट्स जस्ट अ रिविजन के ये तीन हमारी जो थी ना सेल लाइन्स थी, एक प्लेटलेट्स वाली, एक वाइट ब्लड सेल वाली और एक रेड ब्लड सेल वाली। मेगाकैरियोसाइट्स क्या होती हैं, प्लेटलेट्स होती हैं। ब्लास्ट बनता है पहले इनका, मेगाकैरियो ब्लास्ट, देन साइट्स। अच्छा, जो भी चीज होती है वो इनिशियली ब्लास्ट बनती है, जो अनडिफ्रेंशिएटेड बिग सेल्स होते हैं जिनका एनसी रेशियो जो होता है ज्यादा होता है। ठीक है, अगर ब्लास्ट ज्यादा आने लग जाते हैं ना आपकी पेरिफेरल फिल्म में, जब आप ब्लड में, जब ब्लड की स्लाइड बना के देखते हो, तो इसका मतलब है कोई ना कोई चेंजेस होना शुरू हो गई है बोन मैरो में, क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट नजर आनी चाहिए ना, न्यूट्रोफिल, रेड सेल्स और प्लेटलेट्स। अगर ये इनिशियल वाली ब्लास्ट वाली फेसेस आ रही हैं, तो इसका मतलब है मेच्योरेशन तो नहीं हो रही, डेवलपमेंट इज फॉल्टी। ठीक हो गया। माइलोइड स्टेम सेल से एथ्रोपोइसिस हो रहा है, थ्रोम्बोपोइसिस हो रहा है, ग्रेनुलोसाइट्स बन रहे हैं और मोनोसाइट्स बन रहे हैं। और लिम्फोइड वाली से व्हाट डू वी गेट, वी गेट बी एन टी सेल्स। जस्ट अ वेरी बेसिक। उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट पीपल शुड नो कि जो माइक्रोसाइटोसिस किसमें होती है, मैक्रोसाइटोसिस किसमें होती है, टारगेटिंग किन किन डिजीजेस में मिलती है आपको। अच्छा जी, जरूर पूछते हैं। जो टारगेट सेल्स होते हैं उसमें देखो सेंट्रल एरिया ऑफ ग्लोबलाइजेशन है, ये टारगेट सेल है। ठीक है, सेंट्रल एरिया ऑफ हीमोग्लोबिनाइजेशन, ये लिवर, इसका डीडी होता है, लिवर डिजीजेस में हो सकता है एंड कुड बी इन थैलेसीमिया। माइक्रोसाइटोसिस का अगेन जो डी डी है, माइक्रोसाइटोसिस हमने साइज पे डिवाइड किया, साइज एमसीवी से होता है, आयरन और थैलेसीमिया। और एमसीवी ग्रेटर दे हंड्रेड हो, मैक्रोसाइटोसिस और विटामिन B12 फॉलिक एसिड लिवर डिजीजेस में होता है। दूसरा, जब रेड सेल के फ्रेगमेंट्स आने लगते हैं तो हिमोलिसिस हो रहा होता है उसमें। तीसरी बात, एक होवल जोवल बॉडीज का पता होना चाहिए, इसका मतलब है न्यूक्लियर रेमिनेंट्स हैं, जो अगर कभी कभी आपकी बोन मैरो बना के भेज देती है और उनके अंदर न्यूक्लियर रेमिनेंट्स पड़े होते हैं, तो उसको स्प्लीन जो होती है क्लियर करती है। जब आप उसको स्प्लीन को रिमूव कर देते हो या हाइपोस्प्लीन हो जाती है, तो वो होवल जोवल बॉडीज रह जाती हैं, दे आर नॉट क्लियर। लेट मी शो यू होवल जोवल बॉडीज। ये देखो, ये न्यूक्लियर रेमिनेंट बचा हुआ है। ठीक है, ये थोड़ी सी चीजें आनी चाहिए, ये जब आएगा डायग्नोसिस में लिखा हुआ आएगा होवल जोवल बॉडी, तो यू हैव टू थिंक अबाउट कि हाइपोसिप्लिनिज्म या पोस्सिप्लिनेक्टमी की बात करें, जब वो लिखा हुआ पेरिफिलम फिल्म में देंगे कि टारगेटिंग देख रहे हो, तो यू हैव टू थिंक कि इट कुड बी लिवर डिजीज, इट कुड बी थैलेसीमिया। सो यू हैव टू गो थ्रू दिस पिक्चर एंड दीज डीडीज, एक एक दो दो तो पता होनी चाहिए कि किन किन में हो रही है। उसके बाद दिस इज हाउ इट शुड बी, एनीमिया जो एक होता है हीमोग्लोबिन लेवल, राइट, हीमोग्लोबिन लेवल होता है, उसके बाद होते हैं रेड सेल इंडेसिस हम देखते हैं, और तीसरा होता है कि रेड ब्लड सेल काउंट। इंडेसिस में कौन कौन सी वैल्यूज देख रहे होते हैं हम, इंडेसिस जब कहते हैं हमने रेड ब्लड सेल इंडेसिस देखने हैं, तो वट आर दोज इंडेसिस जो हम देख रहे होते हैं, शाबाश एमसीवी, वट एल्स, MCSC, very good. एक और इंडेक्स जो बहुत फेमस है जो हम देख रहे होते हैं, I think I added it here, और values भी इनकी आनी चाहिए। देखो MCV हो गया जो 78 से 100 तक होता है, जब आपकी 100 से अबव वैल्यू आती है तो हम मैक्रोसाइटोसिस कहते हैं। नो इट्स नॉट हेमेटोक्रिट, RDW इज एन इंडेक्स, राइट। MCH, MCV, MCHC। अच्छा, एक MCQ पॉइंट बता रही हूँ, MCHC जो एलिवेटेड होता है ना,
अगर वो आपको, ये देखो 30 to 35 है ना, अगर वो आपको 38 देते हैं एमसीक्यू में और आपको बिल्कुल डिजीज की समझ नहीं आ रही, तो उसका हेरिडिटी स्फेरोसाइटोसिस है. बिकॉज एज फार एज अंडर ग्रेजुएट लेवल नॉलेज इज कंसर्न, जब भी आपका एमसीएससी जो है ना एलिवेटेड होता है, तो वो हेरिडिटी स्फेरोसाइटोसिस होती है. इस इंडेक्स से ये करना है. बाकी एमसीवी से हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और मैक्रोसाइटोसिस को आइडेंटिफाई करते हैं. अब वापस आज उसी बात पे, लेस देन 80 पे क्या हो गया हमारे पास, माइक्रोसाइटिक सेल्स है. एमसीवी क्या होता है, मीन कॉर्पसल वॉल्यूम, कि सेल छोटा है, सेल बड़ा है, राइट, या सेल नॉर्मल साइज का है. अब छोटे सेल कब होंगे, जब हीमोग्लोबिन की अफेक्टेड होगी हीमोग्लोबिन. नॉर्मल वैल्यूज पे दोबारा बताती हूँ, जब क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें दोबारा रिवाइज कर लेंगे. एक एमसीवी की वैल्यू याद रखो, वो जो आपकी है साइज के लिए, माइक्रोसाइटिक लेस देन 80, नॉर्मोसाइटिक 80 to 100, और जब 80 से इंक्रीज हो जाती है तो वो मैक्रोसाइटिक हो जाती है. अब माइक्रोसाइटिक में हमने कौन कौन से एनीमियाज करने, सिंपल एनीमिया जब आयरन डेफिशिएंसी है, राइट, एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज है, थैलेसीमिया है. नॉर्मोसाइटिक आयरन डेफिशिएंसी के साथ भी, अगेन एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज के साथ भी प्रेजेंट कर सकता है. अर्ली में क्या करते हैं, नॉर्मोसाइटिक रहते हैं सेल्स, बाद में वो छोटे होने लग जाते हैं. यस, इसकी वैल्यू फेमटोलीटर है, FLS फेमटोलीटर में. और मैक्रोसाइटोसिस होती है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया और नॉन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया. किसी को इसका कॉन्सेप्ट है कि मैक्रोसाइटिक में मेगालोब्लास्टिक क्या चीज होती है और नॉन मेगालोब्लास्टिक क्या चीज होती है? क्योंकि जब स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं तो उनको बस भगा देते हैं क्या, क्योंकि मेगालोब्लास्टिक इज द सेम थिंग एज मैक्रोसाइटिक एनीमिया. तो किसी को ये कॉन्सेप्ट है कि मैक्रोसाइटिक में मेगालोब्लास्टिक और नॉन मेगालोब्लास्टिक क्या चीजें होती है? Tell me yes or no, क्योंकि मैंने एक्सप्लेन करना है. One of the students is saying कि hypersegmentation होती है neutrophils की. ठीक कह रहे हो, ये तो आपने साइन बताया. मुझे ये बताओ कि ये मेगालो और नॉन मेगालो का कॉन्सेप्ट है. अभी पढ़ते वक्त मैं देती हूँ, I will place this concept कि क्या है इसका. सेल एनलार्ज तो दोनों में हो गए ना, मैक्रोसाइटोसिस. आई एम सेइंग मेगालो और नॉन मेगालो का कॉन्सेप्ट है कोई. मैक्रोसाइटिक एनीमिया का मतलब हो गया ग्रेटर देन 100 हो गया, फेमटोलीटर का साइज इंक्रीज हो गया. अब मेगालो और नॉन मेगालो का कॉन्सेप्ट है कोई? लोग क्या करते हैं, सिनोनिम समझ के इनको यूज करते हैं कि मेगालो और माइक्रोसाइटिक सेम चीज है, बट उसकी एक और टाइप भी है नॉन मेगालोब्लास्टिक. वो भी करते हैं, पहले आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कर लें बिकॉज इट्स इजीयर टू डू. अब जो हिमेटोक्रेट होते हैं ना, वो वॉल्यूम ऑफ रेड सेल होता है. हिमेटोक्रेट पता है क्या होता है, जब आप, क्या चीज रिपीट करूं, बी मोर स्पेसिफिक, व्हाट शुड आई रिपीट? जब आप हिमेटोक्रेट करते हो ना, हिमेटोक्रेट में क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूज करते हैं. इसमें रेड सेल नीचे सेटल हो जाते हैं, फिर ऊपर प्लाज्मा होती हैं चीजें. तो हिमेटोक्रेट होता है वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ रेड सेल. ठीक हो गया. अब इसको हिमेटोक्रेट कैलकुलेट करने के लिए 3 into हीमोग्लोबिन करते हैं, और एमसीवी जो होता है हमारा 80 to 100 फेमटोलीटर होता है. दोबारा ये इंडेसेस देख लो, रेड ब्लड सेल इंडेसेस होते हैं एमसीवी, एमसीएच, एमसीएचसी, आरडीडब्ल्यू, रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ. एमसीवी होता है रफली, याद कर लो, 80 to 100. एमसीएच और एमसीएचसी, मैंने तो दोनों को 27 to 35 याद किया हुआ है, कि इससे दोनों ही एक जैसे हो जाते हैं. अच्छा, अब एक कॉन्सेप्ट है, आयरन जो हीम के साथ बाउंड होता है ना, जो हमें मीट से मिलता है, वो बहुत इजीली अब्सॉर्ब हो जाता है. जो नॉन हीम होते हैं,
वो पहले Fe3 में आते हैं, फिर वो Fe2 में ड्यूडेनल एपिथेलियल सेल्स में फिर एब्जॉर्ब होते हैं, और उसके लिए हमें विटामिन सी लेना पड़ता है। ये इधर दिया भी हुआ है कि जो हीम होता है ना, जो हीम आयरन होता है, जो वो पूरा जो स्ट्रक्चर हम पढ़ते थे, वो इस तरह से जो बना होता था केमिस्ट्री में, वो हमारा मीट से आता है, और उसकी एब्जॉर्प्शन देखो 30% है। जो नॉन हीम होते हैं, जो वेजिटेबल सोर्सेस से आते हैं, जो मीट नॉन मीट सोर्सेस से आते हैं, उनकी एब्जॉर्प्शन लेस देन 5% है, और उनके साथ हमें क्या विटामिन सी या अमीनो एसिड्स लेने पड़ते हैं। ठीक है, इज दिस क्लियर यहाँ तक कि एक हीम के साथ बाउंड है और एक नॉन हीम के साथ बाउंड है। हीम के साथ बाउंड का मतलब है मीट में अवेलेबल है। आगे आ जाओ, उसके बाद जब एब्जॉर्ब होता है, अगर तो साइटोकाइंस ज्यादा है, ठीक है, इंफ्लेमेशन हुई हुई है, IL-6 हमने किया था रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज होता है, तो उसमें क्या करते हैं, जब आयरन आता है ना गट में, तो उसको क्या करते हैं, हाई हेप्सिडिन इंड्यूस हुआ होता है ड्यू टू साइटोकाइंस, तो उसी के साथ बाइंड करके ब्लड सर्कुलेशन में जाता ही नहीं, सेल्स तक, सेल्स अपने पास रख लेते हैं ये। अगर लो हेप्सिडिन है तब जाके वो क्या करते हैं, एंट्रोसाइट से आगे फेरोप्रोटीन में जाते हैं, और फिर वो ट्रांसफेरेंस से डिलीवरी होती है। हाई हेप्सिडिन स्टेट विच इज इंफ्लेमेटरी स्टेट, ठीक है, उसमें बॉडी डज नॉट गेट आयरन, वो फेरेटिन में स्टोर कर लेती है, क्योंकि बॉडी को लगता है कि अगर सर्कुलेट कराएंगे हम आयरन को तो उसको मैक्रोफेजेस खा जाएंगे, विच विल बी अ लॉस, सो वी विल कीप देम बाउंड विद फेरेटिन, हम उसको सेव करने की कोशिश करते हैं, और इन रिजल्ट हमें आयरन डिफिशियंसी एनीमिया की पिक्चर आने लग जाती है, उसको सेव करने के चक्कर में ये सारा काम होता है। पर्सन से सिचुएशन हम कैसे करते हैं, आयरन ओवर टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, बात से ये है कि हीम वाला आयरन जो होता है आपकी मीट प्रोडक्ट्स के साथ बाउंड होता है, और नॉन हीम वाला आपको नॉन मीटी सोर्सेस, वेजिटेरियन सोर्सेस से आ रहा होता है और सप्लीमेंट से आ रहा होता है। नॉन हीम आयरन के लिए आपको विटामिन सी की हेल्प चाहिए होती है फॉर एब्जॉर्प्शन, और हीम आयरन इज मोर रेडिली अवेलेबल, बॉडी इसको जल्दी से अपटेक करती है, उसकी मोर एब्जॉर्प्शन है, देखो बुक में लिखा हुआ 30% ऑफ इट इज एब्जॉर्ब्ड, नॉन हीम इज लेस देन 5, इट्स 1-2%। इसके बाद आयरन एब्जॉर्प्शन जब हो रही होती है, अगर हाई हेप्सिडिन स्टेट्स है जिसमें इंफ्लेमेटरी साइटोकाइंस लाइक IL-6 ज्यादा प्रोड्यूस हुआ होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, तो सेल के साथ बाउंड ही रह जाता है, राइट। अगर लो हेप्सिडिन स्टेट है तब वो बाइंड करते हैं, फेरोप्रोटीन अवेलेबल होते हैं, उसके बाद ट्रांसफरेंस से आगे ट्रेवल करता है। अगर हाई हेप्सिडिन स्टेट है तो बॉडी को लगता है कि इन्फ्लेमेशन ज्यादा हुई है, और हम अगर ट्रेवल कराएंगे आयरन को तो आयरन विल बी स्टोलन बाय मैक्रोफेजेस, एंड वी डोंट वांट आयरन टू बी स्टोलन, तो वो कंजर्व करने के चक्कर में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की पिक्चर आने लग जाती है। ये देखो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में हमारे पास कोई रिजर्व नहीं है, लेकिन एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज में इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द सोर्स आयरन को हम फेरेटिन में स्टोर करते जा रहे हैं, क्यों, बिकॉज ऑफ हेप्सिडिन हाई स्टेट है, इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस प्रोड्यूस हुए हैं, आयरन तो दोनों में कम है जब आप प्लाज्मा को चेक करते हो, लेकिन टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी आयरन डेफिशियंसी एनीमिया में ज्यादा है, एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज में नहीं है, क्योंकि हमारे पास उस रिजर्व में पड़ी हुई है चीज, लेकिन जब आप ब्लड टेस्ट करा रहे हो तो उसमें आयरन डेफिशियंसी एनीमिया आ रहा है, ठीक है। एंड व्हाट डज प्लाज्मा आयरन टोटल आयरन कैपेसिटी माइनस आयरन अवेलेबिलिटी कितनी हो रही है। अब जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की कॉजेस क्या हो सकती हैं, एक तो वो कहते हैं कि मेन में ना कभी भी आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि उसका हीमोग्लोबिन कम क्यों है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया क्यों है। जब आपने मेन को इवेल्युएट करना है ना, तो ओल्डर मेन में तो चलो ड्यू टू एज हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, इट्स यूजुअली ड्यू टू कार्सिनोमा और रेक्टल ब्लीड हो रही होती है, ठीक है। अब आपने मोस्ट कॉमन एक्सप्लेनेशन देखनी है कि जब मेन में हो रहा होता है तो इट्स GI ब्लीड, ठीक है, या तो उसको ऑकल्ट गैस्ट्रिक या कोलोरेक्टल मेलिगनेंसी है, राइट। मेन डू नॉट हैव आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, अगर है तो प्लीज इस इट विल बी इम्प्लाइड दैट उनका GI ट्रैक से ब्लड लॉस हो रहा है,
और उसके बाद एक वर्म इन्फेस्टेशन का एमसीक्यू होता है जिसमें सारी आयरन डेफिशिएंसी की पिक्चर बनी होती लिखी होती है, और उसमें लिखा होता है कि क्यों कौन सी वर्म होती है, ड्यूडेनेल जो है इज द मोस्ट लाइकली वर्म विच कॉजेस आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। उसके बाद मैल अब्जॉर्प्शन हो सकती है, डाइटरी इनटेक कम है, ठीक है, प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर्स ले रहे हैं, फिजियोलॉजिकल डिमांड इंक्रीज हो गई लाइक इन इन्फेंसी, प्यूबर्टी, प्रेगनेंसी में। एक और दूसरी बात बतानी है कि प्रेगनेंसी में प्लाज्मा का वॉल्यूम इंक्रीज होता है, तो हम हीमोग्लोबिन की जो रेफरेंस वैल्यू होती है वो नीचे करके देखते हैं, राइट, क्योंकि डाइल्यूट हुआ होता है, प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। और इसमें प्रेगनेंसी की स्टेट में कोगुलेशन फैक्टर्स जो होते हैं वो 3-4 इंक्रीज होते हैं, एपीटीटी की वैल्यू जो हो रही होती है शॉर्ट हो जाती है, जल्दी कोगुलेट कर रहा होता है। अब इन्वेस्टिगेशंस क्या करवानी है, वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसके हिस्ट्री में पहले जेंडर और एज कंफर्म करो, ठीक है, अगर उसकी इन्फेंसी है, प्यूबर्टी है, तो उसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा इंक्रीज हो रही है तो इसीलिए एनीमिया डेवलप हो रहा है। अगर वो मेल है तो आपको बता दिए मेल में कोई ऐसी रीजन नहीं है कि दे आर गोइंग टू हैव आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, इट मस्ट बी अ जी आई कोलोरेक्टल कार्सिनोमा, जी आई ब्लीड। उसके बाद सीरम फेरेटिन करो, सीरम फेरेटिन आपको बता देगा कि आयरन के स्टोर्स पड़े हुए हैं टिश्यू में कि नहीं। सीरम फेरेटिन इज अ मेजर ऑफ आयरन स्टोर, इट्स द बेस्ट सिंगल कंफर्मेटरी आयरन डेफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है, एंड इट्स वेरी स्पेसिफिक, पता चल जाएगा कि उसको इन्फ्लेमेशन चल रही है कि नहीं। और ये आयरन डेफिशिएंसी की वैल्यूज, फेरेटिन लेवल लेस, आयरन लेस, टोटल आयरन बैरिंग कैपेसिटी इज मोर बिकॉज आयरन एंड फेरेटिन आर लेस, ठीक हो गया। इन्वेस्टिगेशन ऑफ द कॉज में एज, सेक्स ऑफ द पेशेंट, उसके बाद जो हमारी मैल नरिशमेंट, मैल अब्सॉर्प्शन वाली डिजीज होती है सीलिक डिजीज में, सीरम एंटी ट्रांसग्लूटामेज एंटीबॉडीज, एंड्यूडिनल बायोप्सी करानी, सीलिक डिजीज में आयरन डेफिशिएंसी होती है। उसके बाद स्टूल टेस्ट जरूर कराना है, अगेन फॉर ऑकल्ट ब्लीड चेक करने के लिए और वर्म इन्फेस्टेशन के लिए, उसको रूल आउट करने के लिए। अब मैनेजमेंट क्या है, अनलेस कि पेशेंट को एंजाइना, हार्ट फेलियर है, ठीक है, उसको ट्रांसफ्यूजन नहीं करनी, ओरल आयरन रिप्लेसमेंट करनी है। ओरल आयरन रिप्लेसमेंट में क्या करना है, फेरस सल्फेट 200 mg 3 times daily फॉर 3 to 6 months, यू हैव टू रिमेम्बर दिस लाइन, फेरस सल्फेट 200 mg TID में फॉर 3 to 6 months। ऑल्सो पेशेंट को इंस्ट्रक्शन क्या देनी है कि आप विटामिन सी के या जूस के साथ 12 बजे पियेंगे, दूध के साथ नहीं पियेंगे बिकॉज दे स्टॉप एब्जॉर्प्शन। और उनको ये भी एक्सप्लेन कर देना है जब आप ये आयरन के सप्लीमेंट्स लेंगे तो आपको डिस्पेप्सिया होगा, ऑल्टर बाउल हैबिट्स होंगी, स्टूल ब्लैक आएगा, तो परेशान नहीं होना। उसके बाद जब हीमोग्लोबिन शुड राइज अराउंड 10 g/L एवरी 7 to 10 days और रेटिकुलर रिस्पॉन्स विल बी एविडेंट। रेटिकुलर साइट्स क्या होते हैं, 23.3 इस टेबल में है कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया एंड एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज लुक वेरी सिमिलर, ठीक है। अब इन दोनों को वैसा डिफरेंशिएट कैसे करना है, आपने फेरेटिन लेवल उसने लिख दिया, इट्स आल्सो एन एमसीक्यू, फेरेटिन लेवल कराओगे तो एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज में वो नॉर्मल आएंगे या इंक्रीज होंगे, क्योंकि आपने स्टोर करके रख लिया उसको बचा लिया ब्लड में, क्योंकि आपको बॉडी को लगता था कि मैक्रोफेजेस विल कंज्यूम दैट आयरन बिकॉज दे नीड आयरन फॉर देयर फंक्शनिंग, और वो हमारा सारा इन्फ्लेमेशन को फाइट करने में रह जाएगा, तो उन्होंने उसको कंजर्व करके रख लिया। लेकिन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में तो हमारे पास वाकई में डेफिशिएंसी एंड देर आर नो रिजर्व्स, तो हमारे पास फेरेटिन जो होगा विल बी लेस। अब TIBC टोटल आयरन बायरन कैपेसिटी जो होगी, जब आयरन डेफिशिएंसी है, ना कोई रिजर्व है हमारे पास, ना कोई लॉक में पड़ा हुआ है, तो ऑब्वियसली ज्यादा कैपेसिटी हम बाइंड करेंगे। लेकिन एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज में क्या जरूरत है, हमारे पास तो रिजर्व में पड़ा हुआ है ना। आर यू क्लियर ऑन टेबल 23.3? इस टेबल 23.3 क्लियर नाउ? अच्छा, रेटिकुलर साइट रिस्पॉन्स, हम रेटिकुलर साइट्स होते हैं सुप्रा वाइटल स्टेन से किए होते हैं,
और उनका ब्लूइश साइटोप्लाज्म होता है। हेप्सिडिन क्या है? जो इंफ्लेमेटरी साइटोकाइंस होते हैं वो हेप्सिडिन स्टेट, हाई हेप्सिडिन स्टेट को इंड्यूस करते हैं। वो हाई हेप्सिडिन स्टेट क्या करती है, आयरन को फेरेटिन में स्टोर कर लेती है, राइट? इंफ्लेमेशन, हाई इंफ्लेमेटरी साइटोकाइन इंड्यूस हेप्सिडिन सेक्रेशन फॉर लिवर। एक साइटोकाइन लाइक वी स्टडीड इन रूमेटोलॉजी में, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में आयरन से सिक्रीट होता था और इसमें एनीमिया क्रॉनिक डिजीज हो जाता था। इज दिस क्लियर? अच्छा, रेटिकुलर साइट जब भी हम देखते हैं, हम ये देखते हैं कि बोन मैरो फंक्शन कर रही है कि नहीं। जब भी डेफिशिएंसी होती है बोन मैरो क्या करती है, ये ब्लूइश साइटोप्लाज्म जिसमें आरएनए होता है उसका आरएनए अभी तक रिमूव किए बगैर भेज देती है। ये चेक करने के लिए होता है कि इस बोन मैरो फंक्शनिंग फाइन, कहीं बोन मैरो फंक्शनिंग खराब कर दी तो रेटिकुलर साइट काउंट डिक्रीज हो जाता है। अच्छा, अगर किसी को मैल एब्जॉर्प्शन है, क्रॉनिक गट की डिजीज है, तो उसको पारेंटल देना पड़ेगा। पारेंटल आईवी और आईएम इंजेक्शन देने पड़ेंगे, ठीक है? अब आपने फेरस सल्फेट 200 mg 3 times a day फॉर 3 to 6 months देनी है और पेशेंट को एक्सप्लेन कर देने हैं जीआई सिम्टम्स। अब आ जाते हैं वो बात जो मैंने बताई है, मैक्रोसेटिक क्या चीज होती है, ठीक है? मैक्रोसेटिक होते हैं ग्रेटर देन 100 फेमटोलीटर्स का साइज जो है रेड ब्लड सेल्स का इंक्रीज कर गया। कुड बी मेगालोब्लास्टिक कॉज और कुड बी नॉन मेगालोब्लास्टिक कॉज। जो मेगालोब्लास्टिक कॉज होती है ना, इट्स ड्यू टू विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी। और जो नॉन मेगालोब्लास्टिक कॉज होती है ना, वो होती है कुड बी लिवर डिजीज, कुड बी एल्कोहलिज्म। अब आज हम मेगालोब्लास्टिक और नॉन मेगालोब्लास्टिक को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? सिर्फ विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड जो होते हैं ना, हमारे सेल डिवीजन और डीएनए सिंथेसिस में होते हैं। अब जब हमारे पास जो चीज सिंथेसाइज कर रही है वो कम हो जाती है, तो ये लार्ज सेल एक डिवीजन उनकी डिक्रीज हो जाती है, लार्ज सेल आ जाते हैं बड़े बड़े, जिनको हम मैक्रोसेटिक सेल कहते हैं। और ये सिर्फ अगर डीएनए सिंथेसिस किसी का अफेक्ट हुआ है, जो कंपोनेंट विटामिन B12 और फॉलिक एसिड कराते थे, तो वो सिर्फ सेल्स का इफेक्ट हो, तो रेड ब्लड सेल बड़े क्यों आ रहे? इसमें ना पैनसाइटोपेनिया की पिक्चर आती है। पैनसाइटोपेनिया का क्या मीनिंग होता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में? व्हाट इज पैनसाइटोपेनिया, व्हाट डज दिस वर्ड मीन पैनसाइटोपेनिया, व्हाट डज दिस वर्ड मीन पैनसाइटोपेनिया? यस, पैन का मतलब है, पैन का मतलब ऑल, पीनिया मतलब डिक्रीज। जितनी आपकी 3 cell lines थी ना, वो तीनों की तीनों डिक्रीज आती है इसमें। क्यों? क्योंकि देखो डीएनए सिंथेसिस एबनॉर्मल है, इनएफेक्टिव सेलुलर डिवीजन हो रही है। अच्छा, सिर्फ लार्ज जो है रेड ब्लड सेल्स नहीं आ रहे, हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स भी आ रहे हैं, ग्रेटर देन 5 lobes सब आते हैं। अब नॉन, ये देखो हाइपर सेगमेंटेड ग्रेटर देन 5 lobes, हाउ मेनी लोब्स कैन यू काउंट ऑन दिस पिक्चर? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये नॉर्मल न्यूट्रोफिल है, लेस देन 5 lobes। अच्छा, अब नॉन ब्लैक मेगालोब्लास्टिक में ऐसा नहीं होता कि डीएनए सिंथेसिस इनएफेक्टिव हो गई है, लेकिन फिर भी लार्जर सेल्स क्यों आ रहे हैं? इसलिए आ रहे हैं कि इसमें लिपिड कंटेंट जो है सेल मेम्ब्रेन का इंक्रीज हो जाता है, इन लिवर डिजीजेस, इन अल्कोहल। अल्कोहल क्या करता है, एसिटाल्डिहाइड इंड्यूस करता है चेंजेस इन आरबीसीज। अच्छा, जब अभी हम साइकेट्री भी करेंगे, तो उसमें इफ अ पर्सन सेज कि नो आई डोंट ड्रिंक टू ऑफन एंड आई एम नॉट अ क्रॉनिक ड्रिंकर, लेकिन जब आप उनकी सीबीसी कराओ और इसका एमसीवी रेशियो ग्रेटर देन 100 आए, तो एसिटाल्डिहाइड जो करता है एसिटाल्डिहाइड इंड्यूस कर देता है चेंजेस रेड ब्लड सेल्स में, उसको क्या करते हैं लिपिड कंटेंट इंक्रीज हो जाता है सेल मेम्ब्रेन में, तो आप उससे उसको पकड़ सकते हो। दिस इज लाइक अ साइंटिफिक टेस्ट के ही क्रॉनिक अल्कोहलिज्म में ना मेगालोब्लास्टिक की पिक्चर आ रही होती है। ये देखो डिफेक्टिव डीएनए सिंथेसिस हो गया,
राइट और ये देखो एलिवेटेड प्लाज्मा लिपिड्स होती हैं लिवर डिजीजेस में, हाइपोथायराइडिज्म में, अल्कोहल में, हाइपरलिपिडीमिया में, ठीक है, ऐसी डिजीजेस जिसमें आपका लिपिड मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब है उसमें भी एमसीवी ग्रेटर आएगा, ये नॉन मेगालोब्लास्टिक कॉज होती है. सो डिड यू लर्न समथिंग न्यू टुडे कि मेगालोब्लास्टिक और नॉन मेगालोब्लास्टिक चीज होती है कोई, ये पहले से पता थी? अच्छा हम सर रिपीट क्या करना है? एम वेटिंग, जल्दी से बताओ रिपीट क्या करना है. अच्छा नॉन मेगालोब्लास्टिक में क्या होता है, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 जो थे एबनॉर्मल डीएनए सिंथेसिस कराते, इनएफेक्टिव सेलुलर डिवीजन होती है इसलिए लार्जर सेल आ रहे होते. नॉन मेगालोब्लास्टिक में डीएनए सिंथेसिस का मसला नहीं हुआ, उसमें क्या हुआ, लिपिड कंटेंट सेल मेम्ब्रेन का इंक्रीज हो गया, लाइक लिपिड डिजीजेस, अल्कोहलिज्म में, हाइपोथायराइडिज्म में, हाइपरलिपिडीमिया में. इनके ये सेल बड़े ऐसे हुए इसमें ना ही वो न्यूट्रोफिल्स आएंगे हाइपर सेगमेंटेड, इसमें क्या हुआ लिपिड कंटेंट इंक्रीज हो गया है सेल मेम्ब्रेन में, इसीलिए बड़े सेल हैं ये. इज इट क्लियर नाउ? ये डिफरेंसेस मैंने लिस्ट किए हुए, ये डिफरेंसेस इस तरह से, मेगालो इज विटामिन B12 फॉलिक एसिड, नॉन मेगालो इज ड्यू टू आयरन एंड ड्यू टू लिवर डिजीज, ड्यू टू अल्कोहलिज्म, हाइपरलिपिडीमिया. अच्छा अब हम मेगालोब्लास्टिक एनीमिया करें, उसमें विटामिन B12 क्यों इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इट्स जनरेशन ऑफ एसेंशियल अमाइनो एसिड मेथियोनीन से होमोसिस्टीन, मेथियोनीन बनना है होमोसिस्टीन सिस्टीन से. यस ड्यू टू अल्कोहल इंक्रीज हुआ, ड्यू टू लिवर डिजीज हुआ, ड्यू टू हाइपरलिपिडीमिया हुआ है, और हाइपोथायराइडिज्म में भी मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाते हैं इसीलिए वो कंटेंट इंक्रीज हो रहा है सेल्स में. डज इट मेक सेंस नाउ कि वो कंटेंट इंक्रीज हो रहा है सेल में इसलिए बड़े बड़े सेल लग रहे हैं? अभी भी किसी को नहीं क्लियर तो मुझे बता दो, वी आर मूविंग फॉरवर्ड अब. अच्छा ये देखो जो सेल डिविजन्स हैं उनमें फॉलिक एसिड यूज हो रहा है, ठीक है, उसके बाद हमें विटामिन B12 क्यों चाहिए, होमोसिस्टीन से मिथायोनीन जो हो रहा है वो जनरेट हो रहा है. अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है तो ये प्रोसेस यहीं पे रुक जाता है और होमोसिस्टीन एक्यूमुलेट होगा, इसका लेवल इंक्रीज होगा. से यस और नो? अच्छा एसेंशियल अमाइनो एसिड के लिए विटामिन B12 कोफैक्टर है एसेंशियल अमाइनो एसिड मेथायोनीन फ्रॉम होमोसिस्टीन, राइट. अगर डेफिशिएंसी होती है विटामिन B12 की तो हाई प्लाज्मा लेवल्स ऑफ होमोसिस्टीन और इम्पेयर डीएनए सिंथेसिस हो जाएगा, और जितने भी प्रोलिफरेटिव, हाईली प्रोलिफरेटिव सेल्स हैं लाइक बकल म्यूकोजा, टंग, इंटेस्टाइन, सर्विक्स, वजाइना, यूट्रस, इनका जो होगा स्लो डाउन हो जाएगा, तो इसीलिए ये देखो ऐसी टंग हो जाती है, सो टर्न हो जाती है, एट्रोपी होने लग जाती है, ये एंगुलर स्टोमेटाइटिस, बिकॉज डीएनए इज इनफेक्टिव. जो हाईली प्रोलिफरेटिव सेल्स होते हैं वो सारे मेगालोब्लास्टिक चेंजेस करते हैं और डीएनए, उनकी जो रेप्लिकेशन है, डीएनए सिंथेसिस इफेक्टिव और उनकी इनफेक्टिव डिवीजन हो गई है, अरेस्ट हो जाते हैं वो मेच्योरेशन में. दूसरा एक और बात बतानी, इसमें एलडीएच रेज होता है, राइट. मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में एलडीएच रेज होता है अब, और ब्लोरबिन भी रेज होता है. एलडीएच रेज इसलिए होता है क्योंकि जब बोन मैरो देखती है कि बड़े बड़े सेल जा रहे हैं वो उनको फिल्टर करती है, इट ट्राइज टू स्टॉप देम, उनको डिस्ट्रक्ट करती है मेगालोब्लास्ट को इंट्रामेडुलरी रीजंस में, तो इसीलिए जब इनकी डिस्ट्रक्शन की वजह से एलडीएच रेज आता है. अच्छा अगर स्वेयर है, अगर स्वेयर हो जाता है विटामिन B12 डेफिशिएंसी तो इट प्रेजेंट्स एन पैनसाइटोपेनिया. आई ऑलरेडी एक्सप्लेन कि सिर्फ उस पे फर्क नहीं पड़ता, फर्क बाकी सेल्स पे भी पड़ता है, सॉसेज शेप न्यूक्लियस नजर आते हैं उनके, वाइट ब्लड सेल्स के. उसके बाद विटामिन B12 क्या करती है कि फोकल डीमाइलिनेशन,
अफेक्टिंग स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल नर्व्स, ऑप्टिक नर्व्स एंड सेरिब्रम. दे ऑल्सो आस्क यू कि मेगालोब्लास्टिक के क्लिनिकल फीचर्स क्या आते हैं. मिलेज आते हैं, पेरेस्थीजिया आते हैं कि वो ग्लव्स एंड नीडल्स सुइयाँ चुभ रही होती हैं. कंडक्शन माइलिनेशन जो होती है, विटामिन B12 की वजह से स्लो हो जाती है. सोर माउथ है, वेट लॉस, पुअर मेमोरी, डिप्रेशन, ये वाले जो आपके CNS के सिम्टम्स आ रहे हैं, इट इज ड्यू टू फोकल माइलिनेशन का डिफेक्ट आने लग गया. अब दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट नीड्स टू बी मेमोराइज्ड. एक तो एनीमिया है, तो हीमोग्लोबिन तो कम हो गया, राइट. मीन सेल वॉल्यूम MCV इज रेस्ड, इसमें 120 से ज्यादा हो जाता है. MCV इज रेस्ड. एरेथ्रोसाइट काउंट, रेड ब्लड सेल काउंट विल बी डिक्रीज्ड. ब्लड फिल्म पे क्या नजर आएगा आपको, ओरल ओवल मैक्रोसाइटोसिस नजर आएंगे, बड़े सेल नजर आएंगे. पायोकिलोसाइटोसिस क्या होता है, वेरिएबल साइज के आएंगे सेल्स, ठीक है. बोन मैरो फिल्टर करी, कुछ नॉर्मल होंगे, कुछ बड़े होंगे पायोकिलोसाइटोसिस में. रेड ब्लड सेल की फ्रेगमेंटेशन भी होगी, जब वो उनको मारने की कोशिश करेगी, स्टॉप करने की कोशिश करेगी, कुछ फ्रेगमेंटेड भी होंगे और न्यूट्रोफिल हाइपर सेगमेंटेशन होगी. ब्लड पेरिफेरल फिल्म में क्या आएगा, ओवल मैक्रोसाइटोसिस, वेरिएबल शेप्स ऑफ रेड ब्लड सेल्स, रेड सेल फ्रेगमेंटेड भी कुछ आ जाएंगे बोन मैरो से निकल के, और फिर न्यूट्रोफिल जो होगी हाइपर सेगमेंटेशन होगी. उसके बाद ल्यूकोसाइट काउंट लो होगा, प्लेटलेट काउंट लो होगा, ऑल ऑफ दीज बिकॉज पैनसाइटोपिनिया की पिक्चर आनी है. बोन मैरो में क्या होगा, इंक्रीज सेलुलरिटी होगी, इट कंपनसेट कर रही है जो उसका डिफेक्टिव पीस आ रहा है मेगालोब्लास्टिक चेंजेस, उसको कंपनसेट करने के लिए वो सेलुलरिटी इंक्रीज कर रही है, राइट. जाइंट मेटामाइलोसाइट डिसप्लास्टिक चेंजेस भी आ रही है. फेरेटिन विल बी एलिवेटेड और LDH रेज्ड है क्योंकि इंट्रामेडुलरी ब्रेक डाउन हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रही है मेगालोब्लास्ट की. अब अनदर क्वेश्चन है इसके न्यूरोलॉजिकल फाइंडिंग्स आती है विटामिन B12 में और इसको ऐसे ही लिखना है कि पेरिफेरल नर्व्स में ग्लव एंड स्टॉकिंग पैरेस्थीसिया होता है और लॉस ऑफ एंकल रिफ्लेक्स होता है. अच्छा, ग्लव एंड स्टॉकिंग, ये ऊपर हाथों में हम ग्लव्स पहनते हैं, टांगों में हम स्टॉकिंग पहनते हैं, तो इन इन जगह पे आपकी क्या होती है, नमनेस होती है. स्पाइनल कॉर्ड में ये भी पूछते हैं कि कौन कौन से कॉलम्स, पोस्टीरियर कॉलम की और कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्स, इनमें क्या होता है, सब एक्यूट कंबाइंड डिजनरेशन ऑफ द कॉर्ड स्टार्ट हो जाती है. सेरिब्रम की भी डिजनरेशन स्टार्ट होती है, डिमेंशिया हो जाता है, ऑप्टिक नर्व एट्रोपी होती है. अच्छा, डिमेंशिया जो होता है ना वो दो टाइप का होता है, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल. हाइपोथायराइडिज्म विटामिन B12 वाला जो होता है ना वो रिवर्सिबल होता है, अगर आप डेफिशिएंसी को कंप्लीट कर दो तो डिमेंशिया विल गो अवे, ये रिवर्सिबल डिमेंशिया. एक तो हमने वो पढ़ा है ना अमाइलोडोसिस की वजह से होता है जो ओल्ड एज में होता है, हेरेडिटी होता है, वो इरिवर्सिबल होता है, ये वाला रिवर्सिबल होता है. उसके बाद ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी होती है, बुक्स में ऐड कर लो. ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी में यूरिनरी फीकल इनकॉन्टिनेंस और इम्पोर्टेंस भी स्टार्ट हो जाती है, राइट. इसके बाद आई हैव टू टेल यू कि विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन और चीजें कैसे होती हैं. अब विटामिन B12 हमने कंज्यूम किया, सोर्सेज हैं मीट, फिश, एग, मिल्क, ठीक है, और इसकी डेफिशिएंसी इज वेरी रेयर एंड इट टेक्स इयर्स. इतनी माइक्रो क्वांटिटीज में हमें चाहिए होते हैं कि इयर्स लगते हैं इसकी डेफिशिएंसी को डेवलप करने में. अब इसकी एब्जॉर्प्शन ऐसे है कि जब आपने ओरली इसको इनटेक किया, ओरली इनटेक किया, तो वो प्रोटीन के साथ बाउंड होगा क्योंकि सारे यहाँ पे मीट, फिश, एग, मिल्क, वो प्रोटीन के साथ बाउंड होता है विटामिन B12, राइट. प्रोटीन के साथ बाउंड है, स्लाइवा में क्या होता है, pH जो होती है अल्कलाइन होती है. अब इन दोनों के ब्रेकडाउन के लिए वी नीड एसिडिक pH, प्रोटीन एंड विटामिन B12 है. आगे जाता है, लेकिन स्लाइवा गिव समथिंग आर बाइंडर. आर बाइंडर जो है इट्स अ विटामिन B12 बाइंडिंग प्रोटीन. स्लाइवा ये दे देता है लेकिन उसको pH नहीं देता, अल्कलाइन pH होता है.
दोबारा सुनो, जब हमने कंज्यूम किया विटामिन B12 तो इट्स प्रोटीन बाउंड. अब जो प्रोटीन और विटामिन B12 का ब्रेकअप कराने के लिए एसिडिक पीएच चाहिए. स्लाइवा इज अल्कलाइन पीएच, लेकिन स्लाइवा एक गिफ्ट दे रहा है आर बाइंडिंग प्रोटीन. अब ये आर बाइंडिंग प्रोटीन जब स्टमक में जाते हैं उसमें पीएच एसिडिक हो जाता है स्टमक में. तो प्रोटीन किस जिसके साथ हमने कंज्यूम किया, तो प्रोटीन और विटामिन B12 अलग अलग हो जाते हैं. यहां तक क्लियर है सबको? प्रोटीन और विटामिन B12 स्टमक के एसिड ने इन दोनों का ब्रेक करा दिया. क्या क्लियर नहीं है यहां तक? तो बताती हूँ आर बाइंडर्स क्या रोल करते हैं. देखो, जब आपने विटामिन B12 कंज्यूम किया ना, तो दे आर प्रोटीन बाउंड. किस चीज में आप कंज्यूम करो ये देखो, मीट में, फिश में, एग में, मिल्क में. अब मैं इसमें से एक्सट्रैक्ट कैसे करूँ विटामिन B12? एक्सट्रैक्ट करने के लिए ना एसिडिक पीएच चाहिए. मुंह में तो एक्सट्रैक्ट हो ही नहीं सकता ना, मुंह में तो अल्कलाइन है. स्लाइवरी जो होता है पीएच, वो अल्कलाइन होता है. जब स्टोमक में आते हो तो वहां पे गैस्ट्रिक एंजाइम्स क्या करते हैं, गैस्ट्रिक पीएच जो क्या करती है, गैस्ट्रिक पीएच पे आर प्रोटीन के साथ बाइंड करता है वो, और गैस्ट्रिक पीएच पे ही वो ब्रेक करता है उस फूड कंटेंट के साथ जिसके साथ होता है, राइट right? फिर उसके बाद इट गोज टू गैस्ट्रिक एम्प्टिंग होती है, पीएच चेंज होता है, पेनक्रियाटिक सिक्रीशंस आती हैं. फिर वो आर प्रोटीन से छोड़ के इंट्रेंसिक फैक्टर से बाइंड करते हैं, और फिर ये जो इंट्रेंसिक फैक्टर कॉम्प्लेक्स और विटामिन B12 कॉम्प्लेक्स बनता है वो टर्मिनल आइलियम में एक्टिवली ट्रांसपोर्ट हो जाता है फ्रॉम एंट्रोसाइट टू प्लाज्मा. इज दिस क्लियर और नॉट? मैंने एग में विटामिन B12 किया, विटामिन B12 कंज्यूम किया, एग में होता है. मुझे अब उसे विटामिन B12 एक्सट्रैक्ट कराने, कैसे कराऊं? मुंह में तो एल्कलाइन पीएच है, अब पेट में क्या है, ब्रेक डाउन कर देगा उसको, एग को और मेरे विटामिन B12 को. और विटामिन B12 वहां पे आर प्रोटीन के साथ बाइंड कर लेगा, आर प्रोटीन इसको सिक्योरिटी देगा, वो चला जाएगा आगे ड्यूओडेनम वगैरह में. जब जैसे ही पेनक्रियाटिक एमाइलेजेस आएंगे, पेनक्रियाटिक सिक्रीशंस आएंगी, वो उसको ब्रेक करेंगी आर प्रोटीन के साथ. फिर वो इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ बाइंड करेगा टर्मिनल आइलियम में, और एक्टिवली ट्रांसपोर्ट हो जाएगा फ्रॉम एंट्रोसाइट टू प्लाज्मा. इन बुक सेज लिवर स्टोर टेक 3 ईयर्स तक इनके रहते हैं. अब हम टेस्ट कौन कौन से करा सकते हैं, ब्लड लेवल्स करवा सकते हैं विटामिन B12 के. मेथाइल मेलोनिक एसिड करा सकते हैं, होलोट्रांस को कोबालामीन, प्लाज्मा होमोसिस्टीन लेवल्स. इनमें से बताती हूँ कौन कौन से कराने और कैसे कैसे. ये देखना है, हमने ये क्वेश्चन आता है कि कॉजेज ऑफ विटामिन B12 डेफिशिएंसी क्या है. एक तो डाइटरी डेफिशिएंसी है, आप वेजिटेरियन हो प्योर. दूसरा हो सकता है गैस्ट्रिक पैथोलॉजी, लाइक गैस्ट्रिक सर्जरी हुई या हाइपो एसिडी नहीं है. जब एसिडी नहीं है तो जो आप प्रोटीन बाउंड विटामिन B12 खाते हो वो अलग ही नहीं होता. अगर आपका टोटल गैस्ट्रेक्टमी हुई है तो डेफिशिएंसी 5 साल बाद डेवलप होगी. अगर एसिड नहीं है तो उस प्रोटीन से वो कैसे निकलेगा विटामिन B12? इट वॉन्ट. आगे आ जाओ, थर्ड में पर्निशियस एनीमिया है. पर्निशियस एनीमिया ऑटोइम्यून एनीमिया डिसऑर्डर होता है जिसमें क्या होता है, इंट्रिंसिक फैक्टर मिसिंग होता है. ये उन्होंने लिखवाया हुआ बार बार, हाशिमोटो थायराइडाइटिस में, ग्रेव डिजीज में, विटिलाइगो में, एडिसन डिजीज में. इसमें क्या होता है, एंटीबॉडीज बन जाती है एंटी इंट्रिंसिक फैक्टर के, फिर एब्जॉर्ब होगा होगा एब्जॉर्ब. इसमें अगर किसी के पास इंट्रिंसिक फैक्टर के खिलाफ एंटीबॉडी तो नहीं होगा क्योंकि वो प्रोसेस नहीं कंप्लीट होता. फोर्थ आ जाते हैं स्मॉल बॉवल में पैथोलॉजी है, जैसे कि पेनक्रियाटिक सिक्रीशन सफिशिएंट नहीं है तो
तो फिर इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ हम बाइंड कैसे कराएं, ठीक हो गया, या क्रोहन डिजीज है जिससे वजह से इम्पेयर टर्मिनल आइलियम खराब है हमारी, वो अब्जॉर्ब ही नहीं कर सक रही. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि ऐसे आपने करना है, ड्यूड इज ड्यूडेनम में आयरन एब्जॉर्ब हो रहा होता है, जस्ट फीलिंग ड्यूडेनम में फोलिक एसिड एब्जॉर्ब हो रहा होता है, और आइलियम में विटामिन B12 हो रहा होता है. ड्यूड इज जस्ट फीलिंग इल ब्रो. तो ये 4 पैथोलॉजीज लिखनी है, डाइटरी डेफिशिएंसी, गैस्ट्रिक पैथोलॉजी विद रीजंस, परनीशियस एनीमिया हमें क्यों ये इंपॉर्टेंट है, और स्मॉल बाउल पैथोलॉजी. यहां तक किसी को कोई बात समझ ना आई हो? अच्छा, अब विटामिन B12 डेफिशिएंसी को हम कैसे करते हैं ट्रीट, ये मैंने बहुत इजी सा बनाया हुआ है. 1000 माइक्रोग्राम आपने देने इंट्रामस्कुलर 6 डोजेस में 2 डेज अपार्ट, और फिर इससे डेफिशिएंसी पूरी हो जाएगी. और मेंटेनेंस डोज पे, यानी कि आपके लेवल्स डिक्रीज ना हो, उसमें आपने 1000 माइक्रोग्राम IM एवरी 3 मंथ देना है, हर 3 महीने बाद. डेफिशिएंसी फॉरन पूरा करने के लिए क्या करना है, 1000 माइक्रोग्राम IM 6 डोजेस देनी है 2 डेज अपार्ट, और फिर मेंटेनेंस डोज. ये बहुत इजी से 1000 माइक्रोग्राम सिर्फ याद करके हो जाएगा. ये पूछा हुआ होता है, विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद आ जाते हैं फोलिक एसिड पे. कैन समबडी टेल मी वेयर फोलिक एसिड इज एब्जॉर्ब्ड, वेयर फोलिक एसिड इज एब्जॉर्ब्ड? जियोजेनम में एब्जॉर्ब होता है. अच्छा, फोलिक एसिड जो है उसमें कि आपका, अगर आपका लाइफस्टाइल है वेजिटेरियन है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये आपको ब्रोकली, फ्रूट्स, बनानास, मेलन से मिल जाती है. ऑल्सो एनिमल प्रोटीन लिवर किडनी से मिल जाती है, तो इसमें इतना नहीं मसला होता. 50 माइक्रोग्राम जो है जरूरी होता है. उसके बाद देखो MCQ आते हैं कि फोलेट को कैसे अब्जॉर्ब करते हैं, वो ग्लूटामेट में, मोनोग्लूटामेट में कन्वर्ट करके अब्जॉर्ब करते हैं, जिससे MCQ. फिर अपर स्मॉल बावल में एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होते हैं दोनों, फोलिक एसिड एंड विटामिन B12 एक्टिवली ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं. ये इसकी वीक्स में लगते हैं, उसके लिए ईयर्स लगते हैं डेफिशिएंसी डिवेलप होने में. इसमें वीक्स लगते हैं, उसमें ईयर्स लगते हैं. This is the table given, poor vegetable intake, celiac disease. Celiac disease में iron deficiency भी होती है. Celiac disease malabsorption वाला, जब GIT करेंगे उसमें vitamin B12 deficiency भी हो रही होती है. Celiac is also causing folic acid. Small bowel pathology है, small bowel में jejunum absorb होता है, अगर वो आपने resect करा दिया है, it's not working, absorption नहीं है वहाँ पे, तो कहाँ से फॉलिक एसिड एब्जॉर्ब होगा. इंक्रीज डिमांड लाइक हिमोलिसिस और प्रेगनेंसी. हिमोलिसिस में क्यों है इंक्रीज डिमांड ऑफ फॉलिक एसिड? हिमोलिसिस में इंक्रीज डिमांड क्यों है फॉलिक एसिड की? यस, न्यू रेड ब्लड सेल फॉर्म करने DNA सिंथेसिस के लिए इज वेरी इंपॉर्टेंट. और प्रेगनेंसी में भी यही है, न्यू सेल्स, बेबी के स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो रहे हैं, न्यू सेल्स फॉर्म हो रहे हैं, इसके लिए सेल प्रोलिफरेशन इज वेरी हाई, सो यू नीड इट फॉर DNA, इफेक्टिव DNA सिंथेसिस. अच्छा, फोलिक एसिड डेफिशिएंसी 5 mg डेली फॉर 3 वीक्स, और मेंटेनेंस में 5 mg वंस वीकली. ये आंसर है, 5 mg डेली फॉर 3 वीक्स एंड 5 mg वंस वीकली, ये दोनों मेमोराइज कर लें. आगे लेट्स डू सम क्वेश्चंस. अच्छा, अ 32-year-old फीमेल आई है विद लिथार्जी, मलेस, पैरेस्थीसिया. ऑन एग्जामिनेशन शी इज पेल विद स्मूथ टंग, एनुलर जेलाइटिस, and patient has absent ankle jerk. देखा है वो जो टेबल में क्लिनिकल साइंस दिए थे, जो टेबल में क्लिनिकल साइंस दिए थे उसने स्नैरियो में लिखे एक एक चीज,
सो रीडिंग डेविडसन टेबल वॉज इम्पोर्टेंट. हैव यू सीन कि उसने एक एक साइन लिखा है जो कि विटामिन B12 डेफिशिएंसी का था. व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, व्हाट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन यू विल रिक्वायर, एंड व्हाट एबनॉर्मेलिटीज विल यू फाउंड. एक फर्स्ट मुझे इनिशियल इन्वेस्टिगेशन बताओ. शाबाश. सीबीसी देखो, सीबीसी एंड पेरी फिल्म फिल्म देखो. वेरी गुड. सीबीसी और पी फिल्म करवाओ, उसमें देखो क्या आता है. एबनॉर्मेलिटीज में हमें क्या आएगा, सीबीसी में इंडेसिस डिस्टर्ब होंगे, हीमोग्लोबिन डिस्टर्ब होगी, हीमोग्लोबिन कम होगी, राइट. इंडेसिस एमसी वी जो होगा वो रेज्ड होगा. पी फिल्म में क्या आएगा, हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स, ओवल मैक्रोसाइट्स और पायोकेलोसाइटोसिस. What other neurological complications can occur? Just go back to how we did this. ये देखो, ठीक है, आप हीमोग्लोबिन करवाओगे, पहले सीबीसी कराओगे, हीमोग्लोबिन आ जाएगा, आपको एमसीवी आ जाएगा, आपको एरिथ्रोसाइट काउंट हो जाएगा, पी फिल्म पे क्या फाइंडिंग आएंगी. अब आपने सिर्फ यही दो लिखना था, सीबीसी और पी फिल्म, ठीक है. ल्यूकोसाइट काउंट भी डिक्रीज होगा, प्लेटलेट काउंट भी डिक्रीज होगा सीबीसी पे. उसके बाद वो सेकंड क्वेश्चन कहते हैं न्यूरोलॉजिकल फाइंडिंग्स बता दो. पेरिफेरल नर्व्स खराब होंगी जैसे ग्लव स्टॉकिंग पैरेस्थीसिया, लॉस ऑफ एंकल रिफ्लेक्स, जो कि उसने ऑलरेडी क्वेश्चन में लिखा हुआ है. अब स्पाइनल कॉर्ड में सब एक्यूट कंबाइन डिजनरेशन हो जाएगी, कॉर्ड की पोस्टीरियर कॉलम और कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक की. सेरिब्रम की वजह से डिमेंशिया, ऑप्टिक नर्व और ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी हो जाएगी. इज दिस क्लियर, इज द क्वेश्चन क्लियर? आगे आ जाओ. 60 ईयर ओल्ड फीमेल प्रेजेंटेड विद वीकनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ. अच्छा, यूजुअली ना एनीमिया वाली जो लेडीज होती है ना, वो एसओबी के साथ प्रेजेंट करती हैं ऑन एक्सर्शन, क्योंकि उनकी सप्लाई ऑक्सीजनेशन होती है, रेड ब्लड सेल्स कम होते हैं, ऑक्सीजनेशन कम हो रही होती है, तो वो एसओबी के साथ प्रेजेंट करती हैं. यूजली प्रेगनेंसी में भी एसओबी जो हो रहा होता है ना, वो हीमोग्लोबिन डाउन की वजह से होता है. शी इज डायबेटिक एंड हैज माइल्ड डिप्रेशन. हर एग्जामिनेशन रिवील्स edentulous, lacking teeth, patient with moderate degree of mucosal pallor. You request for her routine test and reveal that she has hemoglobin 6.5. सिर्फ एनीमिया पता चलता है इससे. तो उसके बाद वो कहते हैं कि MCV 124 आ गया, जिसे पता चल गया मेगालोब्लास्टिक है. मेगालोब्लास्टिक तो नहीं पता चला, सिर्फ मैक्रोसिटिक पता चला ना आपको. मैंने दो टाइप्स बताई हैं, सिर्फ मैक्रोसेटिक पता चला. उसके बाद जब पी फिल्म में मेगालोब्लास्टिक चेंजेस आई हैं, हर रीनल फंक्शन इज नॉर्मल. अच्छा, अब आप दो कॉजेस ऑफ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया को कैसे डिफरेंशिएट करोगे? दो कॉजेस ऑफ मेगेल, विटामिन B12 फॉलिक एसिड को कह रहा है, वो कैसे करोगे? अच्छा, दिस इज द टेबल आई ड्रू. जो विटामिन B12 वाला होगा उसमें सिर्फ LDH रेज होता है, फॉलिक एसिड में नहीं होता. शिलिंग टेस्ट है. यू रिमेम्बर शिलिंग टेस्ट क्या था? रेडियो एक्टिविटी यूज करते हैं जो अब ऑब्सोलीट हो गया. शिलिंग टेस्ट वो पॉजिटिव आता है विटामिन B12 पे, वो हम करते नहीं अब. अच्छा, मिथाइल मेलोनाइल को ए प्रेजेंट होगा विटामिन B12 में इन सिरम, और इन यूरिन में जो होगा विटामिन B12 लेवल डिक्रीज होंगे. और सिरम फॉलिक एसिड करवाएंगे तो वो फॉलिक एसिड में डिक्रीज होंगे. ऑल्सो ये देखो थोड़ी बेटर है. विटामिन B12 डिफिशियंसी में आपको पॉजिटिव इंट्रिंसिक फैक्टर, एक तो लो सिरम B12 होगा, पॉजिटिव इंट्रिंसिक फैक्टर एंटीबॉडीज भी मिल सकती हैं, हाई मिथाइल मेलोनिक एसिड एंड होमोसिस्टीन. फॉलिक एसिड में मिथाइल मेलोनिक एसिड इज नॉर्मल, इन लो सीरम फॉलेट. दिस इज ईजियर टू रिमेम्बर. इस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो. कॉजेज आप उससे पूछ लोगे हिस्ट्री में कि आप मीट वगैरह खाती हैं कि नहीं. वो कहती है मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको विटामिन B12 है. उसके बाद कोई गैस्ट्रिक सर्जरी हुई हुई है, प्रोटोन पम्प्स तो नहीं खा रही जिसकी वजह से. वरीशा ये गलती आप कर रहे हो, वो आपसे पूछ रहा था सिर्फ मेगालोब्लास्टिक की कॉज लिखो. मेगालोब्लास्टिक में विटामिन B12 और विटामिन फॉलिक एसिड को डिफरेंशिएट करना था. तो दिस टेबल इज रादर इजियर, आपसे डाइट का पूछ लो.
ठीक है, इसके बाद पूछा आपकी कोई जीआई ट्रैक में कोई सर्जरी तो नहीं हुई, प्रोटॉन पंप तो नहीं खाती जिसकी वजह से लैक ऑफ गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन हो। उसके बाद फॉलिक एसिड में पूछो कि वेजिटेबल्स कम खाती हैं, एल्कोहलिज्म है, और इसके बाद ये दिस इज हाउ यू कॉजेज एंड डायग्नोसिस वाले टेबल्स बनाने। अच्छा, विच माइक्रो न्यूट्रिएंट विल यू रिप्लेस फर्स्ट इफ यू आर नॉट क्लियर एज टू व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस एनीमिया, इसका आंसर बताओ। फोलेट क्यों, रीजन क्या है, रीजन रीजन। अच्छा, फोलिक एसिड हम पहले रिप्लेस करते हैं क्योंकि वो जल्दी रिप्लेस हो जाते हैं, बिकॉज इसकी रिप्लेसमेंट वी कैन डू इट क्विकर देन विटामिन बी ट्वेल्व। विटामिन बी ट्वेल्व को हम करना शुरू करते हैं तो इट्स टेक्स टाइम, वीक्स एंड देन मंथली रिजर्व्स और इंट्रामस्कुलर देना पड़ता है। फोलिक एसिड रिजर्व्स को हम जल्दी रिप्लेनिश कर सकते हैं, ठीक हो गया, इसीलिए करते हैं। लेकिन दोनों को हमने साथ ही रिप्लेस करना होता है, उसी को उसको भी साथ ही स्टार्ट करना। फोलिक एसिड को पहले करते हैं क्योंकि जल्दी डेफिशिएंसी उसकी हम कम अपनी हम क्लिनिकल स्किल से जल्दी पूरी करा सकते हैं। आगे देखो, 20 ईयर ओल्ड गर्ल आई प्रेजेंट्स विद कंप्लेंट ऑफ एसओबी, इजी फटीकेबिलिटी, जॉइंट्स पेन, ऑन एग्जामिनेशन शी इज पेल, माइल्डली इक्टरिक, मतलब जॉन्डस्ट है, हल्की सी येलोइंग नजर आ रही है, स्मॉल स्प्लीनोमेगैली, इन्वेस्टिगेशन शो हीमोग्लोबिन 8.5, MCB 105, total bilirubin 2.5, conjugated 0.5, unconjugated 2. What is the most likely cause of her anemia? ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, कैसे MCB 105 हुई हुई है। MCB तो देखो, ये मैक्रोसिटिक एनीमिया है, मोस्ट लाइकली मेगेलो है, क्योंकि हिमोलिसिस हुई हुई है, ब्रेक डाउन होता है जिसकी वजह से बिलिरुबिन इंक्रीज हो गया। देखो, माइल्ड स्प्लीनोमेगैली, जॉन्डिस, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिनीमिया, ये सारे होते हैं मेगेलोब्लास्टिक में, क्योंकि जब बड़े सेल सर्कुलेट कर रहे होते हैं तो उनको तोड़ने की कोशिश की जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी को भी फिल्टर्स लगे होते हैं, जो चीज गलत है उसको नहीं आना चाहिए, वो फिर भी सर्कुलेट कर रही है तो हेमोलिसिस होता है। स्प्लीनो में गैली इसलिए क्योंकि कंपनसेट कर रही है ना कहीं और से, दूसरी जो हमारी बॉडी की साइट है स्प्लीन से, वहां से भी प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई। ग्रेटर देन 100 इज मैक्रो, 80 to 100 होता है, 100 ग्रेटर देन 100 इज मैक्रो। उसके बाद फर्दर इन्वेस्टिगेशन, व्हाट आर द फोर कॉजेज ऑफ दिस टाइप ऑफ एनीमिया, फोर कॉजेज क्या होती है, यस कंपनसेटेड भी और डिस्ट्रक्टिव सेल्स दोनों होते चले जाते हैं। फोर कॉजेज क्या होती है इस एनीमिया की, एक तो डाइटरी डेफिशिएंसी होती है, गैस्ट्रिक पैथोलॉजी होती है, पर्नीशियस एनीमिया होता है, और स्मॉल बाउल पैथोलॉजी होती है, डेफिशिएंसी होती है लॉन्ग टर्म इफ शी रिमेन। गैस्ट्रिक पैथोलॉजी में क्या होता है, प्रोटॉन पम्प्स ले रहे हो, कोई सर्जरी हुई है। पर्नीशियस एनीमिया में एंटी इंट्रेंसिक फैक्टर एंटीबॉडीज होती हैं। स्मॉल बाउल पैथोलॉजी में आपकी अगर इंसफिशेंसी होगी एक्सोक्राइन पेनक्रियाज की। अगर देखो, 23 ईयर ओल्ड नॉन डायबिटिक पेशेंट विथ हिस्ट्री ऑफ पैरेस्थीसिया इन लेग, On examination, he is markedly pale, has beefy red tongue. He got loss of touch, pain, proprioception, vibration in glove and stocking distribution. His plantars are going down. Ankle reflexes are diminished with preserved other deep reflexes. There is a big patch of vitiligo on his trunk and limbs. What is the cause of these symptoms? उसने cause पूछी है। Cause लिखो। What is the cause of vitamin B12
डेफिशिएंसी एनीमिया जिसको हम कहते हैं मगेलो ब्लास्टिक. उसके बाद कहते हैं हाउ विल यू ट्रीट दिस पेशेंट. अब ट्रीटमेंट मैंने बताया था वो 1000 माइक्रोग्राम वाला. कैसे करना है इसकी डेफिशिएंसी को पूरा. कैसे करते हैं एमसीवी रेस्ड है आपका मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है तो डेफिशिएंसी को कैसे पूरा करते हैं. क्या डोजेज हैं यहाँ पे हाउ विल यू ट्रीट में डोजेजेस लिखनी है. पहले आपने लिखना है आई विल काउंसिल द पेशेंट कि इसको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है. विल टेल देम की डेफिशिएंसी होगी है 3 to 5 B12 in 2 or 3 days then after 3 months. ऐसे तो नहीं लिखना आंसर तो गलत है. हाँ ऐसे फ्रॉम बी 12,000 माइक्रोग्राम 6 doses 2 days apart एंड देन फॉर मेंटेनेंस डोजेस आपने 1000 माइक्रोग्राम IM देना है. ये उसके बाद लिखा हुआ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ विटिलाइगो इन दिस पेशेंट. क्या सिग्निफिकेंस है. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ विटिलाइगो इन दिस पेशेंट. ये सिग्निफिकेंस है कि ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से हो रहा है. ऑटो इम्यून है तो गैस्ट्रिक म्यूकोसा जो एट्रोपी हो गया है और उसमें लॉस ऑफ पैराइटल सेल्स हो गए हैं ठीक है और एंटीबॉडीज बन जाती हैं अगेंस्ट इंट्रिंसिक फैक्टर. तो लेस देन 1% ऑफ विटामिन B12 जो है एब्जॉर्ब होता है. आगे आ जाओ 25-year-old फीमेल प्रेजेंट्स इन मेडिकल आउट पेशेंट विद जर्नलाइज बॉडी पेन इजी फटिकेबिलिटी पैरास्थीजिया ऑफ हैंड फीट फॉर 3 weeks. इस जो पैरास्थीजिया ऑफ हैंड फीट लिखा होता है उसको ग्लव एंड स्टॉकिंग पैटर्न पैरास्थीजिया कहते हैं. ऑन एग्जामिनेशन बाल टांगे एंगुलर चिलोसिस है. इन्वेस्टिगेशन में हीमोग्लोबिन कम आ गया एमसीवी रेस्ड आ गया ओवल मैक्रोसाइट पायोकिलोसाइटोसिस मेगालोब्लास्टिक आ गया. उसके बाद वो कहता है थ्री अदर कॉजेज ऑफ रेस्ड एम. अब इसकी बताओ थ्री अदर कॉजेज ऑफ रेस्ड एमसीवी. शाबाश लिवर डिजीज फोलिक एसिड बी डेफिशिएंसी. और क्या यस क्रॉनिक अल्कोहलिज्म हाइपरलिपिडीमिया हाइपरथायराइडिज्म ठीक है. अ 58-year-old लेडी इज कंप्लेनिंग ऑफ इजी फटीग ब्रेथलेसनेस एज वेल एज नमनेस ऑन पिंस एंड नीडल्स ऑन फीट एंड लेग्स. तो ये क्या हो गया ग्लव एंड स्टॉकिंग पैरास्थीसिया. शी आल्सो सेज दैट इमीडिएटली आफ्टर टेकिंग मीन्स शी डेवलप्स नाउजिया एंड ब्लोटिंग स्वेटिंग एंड पैल्पिटेशंस. इन हर पास्ट मेडिकल हिस्ट्री इट इज नोटेड दैट शी अंडरवेंट पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी. हिस्ट्री भी दे दी 7 years ago. हर हीमोग्लोबिन इज 8.8 MCV 104. शी इज नेगेटिव फॉर एच पायलोरी. व्हाट मे बी द कॉज ऑफ हर एनीमिया. क्योंकि गैस्ट्रिक पैथोलॉजी हमें मिल गई है राइट गैस्ट्रिक पैथोलॉजी मिल गई है तो विटामिन B12 डेफिशिएंसी राइट मेगालोब्लास्टिक एनीमिया. हाउ वुड यू एक्सप्लेन हर पोस्टप्रेंडल सिम्टम्स. अच्छा ये किसी को पता है जब वो खाना खाती है तो फिर नाउजिया ब्लोटिंग स्वेटिंग पैल्पिटेशंस क्यों होती हैं. Somebody who is studying systemic surgery GIT की उसमें ये होता है कि बताते हैं गैस्ट्रेक्टोमी के बाद ये सिम्टम्स आते हैं. किसी को नाम बताओ इसका. हाँ गैस्ट्रेक्टोमी की वजह से है लेकिन है क्या वो कह रहे एक्सप्लेन करो. अच्छा ये आप सर्जरी में पढ़ोगे डंपिंग सिंड्रोम होता है ठीक है. डंपिंग सिंड्रोम होता है जब आप या वागस नर्व को काट देते हो या गैस्ट्रिक रिसेक्शन कर देते हो. जब स्टमक रहता ही नहीं है तो जल्दी से स्टमक की जगह पे कुछ नहीं है तो रैपिड गैस्ट्रिक एम्प्टिंग की वजह से क्या होता है डिस्टेंशन हो जाती है प्रॉक्सिमल. ये ऊपर आके आगे इसोफेगस ये आपका आ गया
स्टमक, फिर आगे इंटेस्टाइन आ गई। अगर आप ये वाला पोर्शन रिमूव कर दोगे तो आपके इसोफेगस से डायरेक्ट क्या चला जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन पे। एकदम से जब फूड यहाँ पे आता है तो डिस्टेंड हो जाती है ये, ठीक है। एज द हाइपरटोनिक कंटेंट ड्रॉ फ्लूड, और फ्लूड आ जाता है इसमें, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होती है, डायरिया होती है, और ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्सेस आते हैं जिसकी वजह से विजो मोटर फीचर्स आते हैं, लाइक फ्लशिंग, पल्पिटेशन, स्वेटिंग, टेकीकार्डिया, हाइपोटेंशन। तो इन पेशेंट को कहा जाता है कि लार्ज मील नहीं खाने, थोड़े थोड़े खाने, वरना पेट एकदम से बड़ा हो जाएगा। सारा हाइपरटॉनिक कंटेंट क्या करेगा, और फ्लूड को, क्योंकि खाना जो आप खा रहे हो वो हाइपरटॉनिक है, इसलिए वैसे पानी आ जाएगा। एक तो ये डिस्टेंशन कॉज कर रहा है, दूसरा पानी आ जाएगा। इतनी ज्यादा जब डिस्टेंशन होगी तो ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्सेस एक्टिवेट हो जाएंगे, जैसे कि फ्लशिंग, पेल्पिटेशन, स्वेटिंग, टेकीकार्डिया एंड हाइपोटेंशन। तो हाई कार्बोहाइड्रेट कंटेंट क्यों, बिकॉज इट्स हाइपरटॉनिक टू, हाइपरटॉनिक है और पानी करेगा, पानी को भी बुला लेगा ये। व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन फॉर हम नमनेस, पिंस एंड नीडल्स, इसमें क्या लिखोगे? इसमें क्या लिखोगे? व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन फॉर नमनेस, पिंस एंड नीडल्स? शाबाश, फोकल डीमाइलिनेशन हो रही है, लेकिन आपको ट्रैक्ट्स के नाम याद लिखने हैं। ये जो आप दोनों लिख रहे हो आंसर, इसमें ट्रैक्ट के नाम लिखने हैं, हेडिंग बनानी है प्रॉपर, जैसे टेबल में बना हुआ है। कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट था ये, देखो ये सिर्फ ऐसे फोकल डीमाइलिनेशन के, नोबडी विल गिव यू मार्क्स फॉर राइटिंग दिस फोकल डीमाइलिनेशन, ऐसे नहीं करना है। आंसर ऐसे लिखना है कि सबके एक्यूट कंबाइंड डिजनरेशन ऑफ कॉर्ड होती है पोस्टीरियर कॉलम की, उसको डिमिनिश्ड वाइब्रेशन इन सेंसेस हो गई, और कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट, ठीक है, और पेरिफेरल नर्व्स की जो है ना फोकल डीमाइलिनेशन की वजह से ग्लव एंड स्टॉकिंग पैरेस्थीसिया आ रहा है। यू हैव टू कंप्लीट द लाइन विद कॉज एंड इफेक्ट, जस्ट फोकल डीमाइलिनेशन किस जगह की, फोकल डीमाइलिनेशन पेरिफेरल नर्व्स की हो रही है, तो ग्लव्स एंड स्टॉकिंग पैरेस्थीसिया हो रहा है। सब एक्यूट कंबाइंड डिजनरेशन ऑफ कॉर्ड पोस्टीरियर कॉलम की हो रही है, डिमिनिश वाइब्रेशन एंड प्रोप्रियोसेप्शन आ रहा है। इस तरह से प्रॉपर लाइंस में आंसर्स लिखना है, नॉट हाफ हार्टेडली, जस्ट फोकल डीमाइलिनेशन वेयर एवरीवेयर इट प्रोड्यूसेस डिफरेंट सिम्टम्स। तो बस बस एक लास्ट क्वेश्चन रह गया। अब 45 ईयर ओल्ड लेडी आती है प्रोग्रेसिव एसओबी के साथ, फॉर लास्ट 6 मंथ से हो रही है, लैब डेटा शो 3.8 टीएलसी रिड्यूस्ड, प्लेटलेट डिस्ट्रीब्यूट ये 4 1.5 लाख टू 4.5 लाख, 4 to 11,000 होती है, ठीक है। हीमोग्लोबिन चलो 10 से 12 लगा लो, एमसीबी 1 to 1 है, रेटिक्स 3 है, का मतलब है बोन मैरो ठीक काम कर रही है। अच्छा मुझे बात बताओ, ये इससे क्या ब्लड पिक्चर कैसी आ रही है, प्लीज कमेंट ऑन दिस ब्लड पिक्चर। शाबाश, वेरी वेल डन, पैनसाइटोपिनिया आ रहा है, ऑल थ्री लाइंस आर डिप्रेस्ड। अच्छा उसके बाद पेन साइटोपिनिया आ रहा है, लेकिन बोन मैरो का कोई मसला नहीं है क्योंकि रेटिक काउंट नॉर्मल है। ये देखा है आप लोगों ने, जो एडल्ट रेटिक काउंट होता है वो 0.5 से 1% या इससे ज्यादा, तो मतलब है आपका बिल्कुल ठीक है। इससे कम आता है ना 0.5 से, तो हम कहते हैं कि इस बंदे की बोन मैरो खराब है, बोन मैरो ठीक है, और एमसीवी रेस्ड आ गया, तो पेन साइटोपिनिया वाली पिक्चर आ रही है, बट इट इज ड्यू टू विटामिन B12 डेफिशिएंसी। व्हाट इज द डायग्नोसिस, फर्दर इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट। इसके ट्रीटमेंट में आपने विटामिन B12 के साथ फॉलिक एसिड भी लिख देना है, क्योंकि यूजुअली दोनों कॉम्बिनेशन में ही रिप्लेस होते हैं, दोनों साथ ही करने होते हैं रिप्लेस, लेकिन फॉलिक एसिड को हम जल्दी रिप्लेस कर देते हैं, विटामिन B12 टेक्स अ लिटिल टाइम।